जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल माय बुकलो एंड अंकुश मिश्रा मैथ्स इन दोनों पे स्वागत करता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पे चैनल का दो दो नाम क्यों लिखा हो वो मैं आपको आगे इसका सीक्रेट बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ एक कंप्लीट मैथ्स का कंप्लीट पैकेज, मतलब कि एक पूरा मैथ्स का कोर्स जो कि लॉन्च होगा आपके माय बुकलो ऐप के ऊपर। बट मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है अंकुश मिश्रा मैथ्स, इसीलिए मैं माई बुकलो के ऊपर अपना पूरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स अपलोड करने वाला हूँ। ओके, अब उस कोर्स के अंदर क्या होगा, क्या क्या आपको मिलेगा, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स होंगे, क्या 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 कंटेंट होंगे, उससे किस किस लेवल का एग्जाम आप निकाल सकते हो, वो कितना आपके लिए फायदेमंद होगा, ये सब मैं आपको उसके अंदर एक कंप्लीट पैकेज के रूप में बताने वाला हूँ। सो अंत तक बने रहिए, बीच में स्किप करने की जरूरत कोई भी नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। ओके बच्चों, सो देखो, अब ये जो मैथ्स का कंप्लीट कोर्स है, एक तो ये आपका एसएससी का प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम निकालने के लिए सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। ओके, फिर उसके बाद में जो आपका सीडीएस का एग्जाम है, सीडीएस के एग्जाम के लिए यहाँ से मतलब कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। सीडीएस का एग्जाम एकदम मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके बच्चों, उसके बाद में आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ना इन दो एग्जाम्स के ही नाम क्यों लिखे, देखिए पूरे इंडिया में ना एग्जाम्स का लेवल होता है। अब आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी राज्य के हो, आप लोग वहाँ के एग्जाम्स की तैयारी करते रहोगे, वहाँ के जीडी की, वहाँ के एसआई की भर्ती वगैरह देखते रहोगे। बट अगर हम लोग मैथ्स की बात रखते हैं तो मैथ्स एक स्पेशल सब्जेक्ट है, किसी किसी का पावरफुल भी होता है और वो किसी किसी का कमजोर भी होता है। बट एसएससी एंड सीडीएस ना एक अपने ही लेवल के ऊपर है। सीडीएस एसएससी से थोड़ा ऊपर आता है और एसएससी सीडीएस के नीचे आता है। ओके, अब देखो, अब ये दोनों में फर्क है। एसएससी का पेपर बनाती है टीसीएस कंपनी और सीडीएस का पेपर बनाती है यूपीएससी कंपनी। यूपीएससी इट इज नॉट अ कंपनी। ओके, तो यूपीएससी जब सीडीएस का पेपर डिजाइन कर देना, उसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत होते हैं। जितने भी डिफेंस के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने इस साल का सीडीएस का पेपर दिया होगा तो उन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे होंगे। हाँ, इस साल का पेपर थोड़ा सा लेंदी था बट टफ नहीं था। ओके, और हाँ, आपको मार्क्स कैसे स्कोर करना है, कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि पूरा सिलेबस का बर्डन आपके ऊपर ना हो। एकदम मैं बोलते ना, एकदम मैथ्स का महामंत्र कि जितना मैं बताऊँ, जितना मैं बोलूँ, उतना केवल करके जाओ अपने एग्जाम्स के लिए। दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। समझ गए बच्चों? चलो, तो देखो यहाँ पर, अब ये हमारा है सीडीएस का पेपर जो इस साल हुआ था 14 नवंबर को। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर, अब इस साल ना यहाँ पर ना देखो, इस एग्जाम में ना सिर्फ ना 9 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आते ही आते हैं और 80+ क्वेश्चन आते हैं। देखो कौन कौन से टॉपिक है वो, एक है आपका नंबर सिस्टम, दूसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा है आपका अलजेब्रा, चौथा है आपका 3D और ज्योमेट्री। ये जो 31 है ये 20+11 हो गया। चलो, फिर उसके बाद में आता है आपका DI 10 क्वेश्चंस का, और बाद में आता है आपका लॉगरिदम 3 क्वेश्चंस का। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप पूरे एग्जाम में, आप पूरे मैथ्स के सिलेबस में जो डिफेंस के बच्चे हैं सीडीएस वाले, वो कुछ भी छोड़ दे लेकिन इन टॉपिक्स को छोड़ना उनके लिए रिस्की होगा। क्या रिस्की? आप और आपको रिस्क लेना नहीं है, समझ गए? रिस्क लेना ही नहीं है आपको। आपके पास अप्रोक्स 4 मंथ्स है, और जो मैथ्स का कोर्स हमारा इस माय बुक लो ऐप के ऊपर चालू होने वाला है, वो चलने वाला है 6 महीने तक, और 4 महीनों में सिलेबस खत्म करने का मेरा बिल्कुल विचार नहीं है, समझ गए? अगर मैं सिलेबस आपको सिखाऊंगा तो मैं आपको एक ही बार सिखाऊंगा, लेकिन अच्छे से सिखाऊंगा ताकि आपको दोबारा तो मैथ्स पढ़ने की जरूरत ना ही पड़े किसी भी एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम देके आओ पूरे इंडिया में, नॉट ए जेई लेवल, गवर्नमेंट एग्जाम जो भी आते हैं मैथ्स के, दे के आ जाओ, आप लोग वो एग्जाम निकाल लोगे, समझ गए? चलो, तो देखो अभी, अब मैंने इन चैप्टर्स का फोकस क्यों लिया, अब नंबर सिस्टम से आप देखो, यहाँ से आपके 11, 15, 12, यहाँ से आपके 31, यहाँ से 10 और यहाँ से 3, ये टोटल बनते हैं आपके 79 क्वेश्चन। कितने? 79 क्वेश्चन बनते हैं टोटल। सिर्फ ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, केवल 7 टॉपिक पढ़ने से आपको अगर 79 क्वेश्चन मिल रहे, तो ये बाकी के यूजलेस टॉपिक क्यों पढ़ने हैं आपको, बताओ? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, मैं आपको पूरा सिलेबस सिखाऊंगा, बट आपको फोकस सिर्फ इन 7 टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा देना है। पढ़ना सब है, पढ़ना सब। और जो सीडीएस के बच्चे हैं
उनको ध्यान में रखते हुए देखो ये जो चैप्टर्स है ना आपके, ये आपके एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट अ प्री। प्री के अंदर बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट मेंस के अंदर एडवांस मैथ्स का लेवल बढ़ जाता है। और जितने भी टॉपिक है ना, ये भी एडवांस मैथ्स का, ये भी एडवांस मैथ्स का है, ये भी आपका एडवांस मैथ्स है, ये भी आपका एडवांस मैथ्स, और ये भी आपका एडवांस मैथ्स। ओके, तो एडवांस मैथ्स और ये अरिथमेटिक और एडवांस किसी में नहीं आता, इट इज अ बेस्ट चैप्टर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसीलिए मेरा कोर्स का स्टार्टिंग ही एडवांस मैथ्स होगा। बट मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम सिखाऊंगा। अब नंबर सिस्टम क्यों सिखाऊंगा वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ कि नंबर सिस्टम में ऐसी क्या बात है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके बच्चों, चलो तो आगे स्लाइड है, यहाँ पे दिए। चलो देखो देखो, अब मैं आपको बताऊं कि नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो ये, अगर आपको एग्जाम में चार ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी ना, तो आपको ना, अगर समझ लो सपोज क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ लास्ट में पूछ लिया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज आपको 3D का क्वेश्चन पूछ लिया और उसने दिया था कि ये आपको एक कोन दिया हुआ है, ओके, तो इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा। ओके, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, बट आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेडियस और मेरा हाइट दिया हुआ है, बट मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे कैलकुलेशन नहीं हो रही है। देखो यहाँ पर, अब इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। अब अगर देखो, अब मैं ना पाई को क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 22/7 r * r * h लिखता हूँ। देखो अगर r मेरा जो होगा, अब देखो मेरा आंसर सब इंटीजर में, सपोज कि मेरा जितना भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंटीजर में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 578 211 121, फिर उसके बाद में 312 312। ओके, सेमी क्यूब। ओके, मैंने आपसे क्या पूछ लिया, मैंने आपसे वॉल्यूम पूछ लिया। चलो अब देखो यहाँ पर, अब आप मान लो कि आपका जो रेडियस है वो 7 का मल्टीपल है, आपका जो रेडियस है वो 7 का मल्टीपल है। ओके, अब अगर आपका ये रेडियस 7 का मल्टीपल है तो ये भी तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगा, और मेरा आंसर अगर इंटीजर में तो डेफिनेटली नीचे मेरा कुछ बचा ही नहीं होगा, नीचे मेरा कुछ बचा ही नहीं होगा, नीचे तो 7 मेरा कटना है। अगर इस 7 ने इस एक आर को काटा तो एक आंसर यहाँ पे आर में आपका बचेगा जो कि 7 का मल्टीपल होगा, मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ये एक हम लोग को मिल गया। चलो मान लो कि रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं, आपका हाइट 7 का मल्टीपल है, अगर इसने हाइट को काटा तो आपके पास क्या बचता है, 7 तो आपका निकल गया, समझ गए, 7 आपका निकल गया। अब यहाँ पे बचता है आपका 22, 22 में क्या, 22 में क्या है, 22 में 2 * 11, अब ये 2 से 2 तो निकल जाएगा, बच गया आपका 11। अब आंसर अगर मेरा 7 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर मेरा क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। ओके, तो यही एक जो मेथड है कि नहीं आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको केवल मल्टीपल देखने की, हाँ मेरा आंसर 11 का ही मल्टीपल होगा, मेरे आंसर का यूनिट डिजिट ये होगा, मेरे आंसर का डिजिटल सम ये होगा, वो आपको मालूम पड़ता है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम इज अ बेस चैप्टर, बोलते ना एक जिस जमीन के ऊपर पूरी बिल्डिंग बनती है, तो नंबर सिस्टम वो बेस है जिसके ऊपर आपका पूरा मैथमेटिक्स का बिल्डिंग तैयार होगा, समझ गए, और जो उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह मलबा है वो सब आपके प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो सब है, टेबल्स हैं। और आई होप, मैं इतना भरोसा रखता हूँ कि उतना तो आपको आता ही होगा, और अगर नहीं आता तो जल्दी से पढ़ लो उसको। ओके, चलो समझ गए कि नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग के लिए। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 से 13 क्वेश्चन सीडीएस में भी आता है, एसएससी में भी आता है। अलजेब्रा 10 से 13 क्वेश्चन सीडीएस में भी आता है, एसएससी में भी आता है। 3D और ज्योमेट्री सीडीएस और एसएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डीआई के 10 क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं, 10 क्वेश्चन कन्फर्म, ये 10 क्वेश्चन कहीं जाते ही नहीं, सीडीएस में कन्फर्म क्वेश्चन होते हैं, और आपका लॉगरिथम भी सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको ना वो पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसके अंदर टोटल 30 चैप्टर्स आते हैं, जिससे आपका SBI, PO, IBPS, रेलवे, MTS, NTPC, SSC, CGL, CHSL, CPO, CGL सब निकल जाएगा। बस एक बार ना पूरा फोकस लगा के एक बार पूरा मैथ्स पढ़ के देखो, बस पूरा मैथ्स पढ़ लो एक बार, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बने रहो समय के साथ। देखो सिलेबस खत्म करो एक बार बस, भले समय लगे, भले ही 2-3 महीने ज्यादा लगे, लेकिन खत्म करो एक बार, क्योंकि उसके बाद जब आप बन के निखरोगे ना, तो
तब उसका कोई जवाब नहीं होगा, समझ गए। एक अकेला डिफेंस में 100 नंबर का पेपर कैरी करता है मैथ्स का पेपर, और अगर मैथ्स के पेपर में आपने बूम फोड़ दिया ना धमाका अपना, तो क्या ही बात बोलूं मैं आपकी। इस साल मैंने भी जितने बच्चों को सिखाया था आपने, उनमें से कम 4 बच्चों ने 70+ स्कोर किया सिर्फ मैथ्स के अंदर, समझ गए। मैं तो वैसे मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, मैंने जिनको ऑफलाइन टीच किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैथ्स में उतना स्कोर आता है, बस क्या होता है ना, स्पीड, नॉलेज और अप्रोच क्या होनी चाहिए मैथ्स को पढ़ने के लिए। अप्रोच मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हम लोग को बिना क्वेश्चन, मतलब कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आंसर निकालना आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। और वही आना बहुत जरूरी है, कि बिना सॉल्यूशन के मेरे को आंसर मिलना चाहिए। अगर ये सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स मेरे माइंड में है, पहली बात तो मल्टीपल्स, फिर उसके बाद में यूनिट डिजिट, फिर बाद में आपका डिजिटल सम, समझ गए, फिर उसके बाद में नंबर का कंपैरिजन, ये सब माइंड में होना चाहिए, प्राइम नंबर्स वगैरह। इसलिए नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना चाहिए आपको। ओके, फिर उसके बाद में सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ना चाहिए आपको, आपको पढ़ना चाहिए रेशियो और परसेंटेज। बट रेशियो का मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, उसके लिए कोई बात नहीं। इसका बेसिक पढ़ने के बाद में पूरा एडवांस मैथ्स मेरे साथ में चलने वाले हो आगे तक, जहां पर मैं आपको पूरा एडवांस मैथ सिखाऊंगा। और आफ्टर 4 मंथ्स, देखो मैं एडवांस मैथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आफ्टर 4 मंथ्स सीडीएस का भी एग्जाम है। जो सीडीएस के बच्चे हमारे साथ रहेंगे उनका पेपर अच्छा जाना चाहिए, इसलिए हम लोग एडवांस मैथ्स पहले ले रहे हैं। उसके बाद में जैसे जैसे देखो, मैं ना आफ्टर 1 मंथ डेली आपके दो दो लेक्चर लिया करूंगा, समझ गए बच्चों। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपको मिलेंगे 210+ लेक्चर्स, 210 प्लस लेक्चर बच्चों, देखो 210 प्लस लेक्चर, 210 प्लस लेक्चर। अगर मैं एक दिन की भी बात करता हूं कि आपको एक दिन में एक लेक्चर मिलता है, तो भी ये कोर्स चलने वाला है आपका 7 मंथ्स। कितना? 7 मंथ्स चलने वाला है, बट मैं इसको 6 मंथ ही रखूंगा, 7 मंथ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। प्लस आपको शीट्स पीडीएफ मिलेंगी जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन होंगे, आई होप कि शायद आपको यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हूँ, जिसके अंदर आपको 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। केवल कितने? 5000+ क्वेश्चंस। अब एक बात बताओ, जहां पे आपको 5000+ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्या आपको कोई बुक की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल प्री मेंस सीडीएस के प्रीवियस ईयर, आपके सीएचएसएल सीपीओ सीबीआई दिल्ली पुलिस यूपीएससी सबके प्रीवियस ईयर यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा सबसे बेस्ट क्वेश्चंस। मुझसे पढ़ने के बाद में ना आप डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन लगा पाओगे, बाकी किसी टीचर की गारंटी मैं नहीं देता, बट मेरा लेक्चर लेने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड आप मेंस के क्वेश्चन ना लगा पाओ तो आप बोलना। ओके, उसके बाद में आपका डाउट सेशन होगा। अभी देखो ये डाउट, ये जो डाउट सेशन है आपका, ये आपका एक तो या फिर यूट्यूब पे होगा या फिर आपका जी मीट पे होगा, मतलब गूगल मीट पे होगा। देखो गूगल मीट पे चांसेस, क्योंकि बच्चे बहुत सारे रहेंगे, इसलिए यूट्यूब पे लेंगे हम लोग ये डाउट लेक्चर अपने। और हाँ, सबके डाउट्स, देखो एक ओवरऑल कंबाइंड डाउट रहता है आपका। ओके, एक आपका कंबाइंड डाउट होता है। मैं आपको अभी एक मेल आईडी देने वाला हूँ, उस मेल के ऊपर आप अपने सारे डाउट्स भेजना। जिस दिन हमारा डाउट लेक्चर रहेगा ना, उस दिन मैं सारे डाउट्स आपको बता दूंगा, उस दिन मैं सारे डाउट्स आपको बता दूंगा। या फिर हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने सारे डाउट्स पोस्ट करना, और एक दिन जब डाउट लेक्चर रहेगा मैं वो सारे डाउट्स लूंगा आपके, समझ गए। सबके डाउट्स कवर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट कि आपके डाउट्स कवर नहीं होंगे। और हाँ, अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो उस दिन लेक्चर देखो, उसी दिन कमेंट करके बताओ सारे डाउट है, ताकि मैं अगले लेक्चर में पहले वो डाउट बताऊं, उसके बाद में आगे लेक्चर कंटिन्यू हो, समझ गए। और इसके साथ में आपको क्या करना है, जिस दिन आप इस कोर्स में एनरोल होंगे उसी दिन आपको दिन में जो भी पढ़ाया जाए रात को सोने के पहले आपको रिवाइज करके सोना है। बिना रिवाइज किए अगर सोते हो तो आपका पैसा बर्बाद होगा और मेरा टाइम बर्बाद होगा आपके पीछे, समझ गए। तो हम दोनों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और मुझको मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो, अब आते हैं इस कोर्स के प्राइसिंग के ऊपर, जहां पे आपको 210 से ज्यादा लेक्चर्स, 5000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, सब कुछ मिल रही है आपको, तो उस कोर्स का प्राइस कितना होगा? देखो बच्चों, मैं सीधे बोलूंगा, देखो प्राइस में मत जाना कि प्राइस ज्यादा है या कम है। मैंने प्राइस को इतना फ्लेक्सिबल बनाया है ना आपके लिए, कि एक बोलू ना कि हर कोई इस कोर्स को ले पाएगा। और प्लस इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए होगा। ओके, लाइफ टाइम के लिए आपके पास इसका एक्सेस होगा। आपने एक बार वो वीडियो बाय किया वो आपका लाइफ टाइम के लिए।
आप किसको भी दे दो वो, मतलब फोन आपका फोन जाएगा, वीडियो वीडियो आपका कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ऐप के ऊपर सिक्योरिटी लगा हुआ है। ओके चलो देखो, अगर हम लोग बात करते तो ओनली 5 रुपीज पर वीडियो, ओनली 5 रुपीज पर वीडियो लेंगे हम लोग। ओके एक वीडियो का केवल और केवल 5 रुपया रखते हैं। अगर मैं आपको बात करूं दिन में मैं आपको केवल एक वीडियो दे रहा हूँ, दिन में आपको केवल अगर एक वीडियो दे रहा हूँ तो क्या आपके पास 5 रुपये भी नहीं है उस वीडियो को लेने के लिए? आप लोग बोलोगे सर मेरे पास अकाउंट नहीं है। अरे भाई तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे फादर का अकाउंट है, अब तुम्हारे फादर अपने बैंक अकाउंट में से 5 रुपये तो तुमको दे ही सकते हैं ना, जहां उन्होंने तुम्हारे पढ़ाई के पीछे इतना सारा खर्चा किया, 5 रुपये कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, जो मेरे बच्चे हैं और जिनको लगता रहेगा, जो लोग वीडियो देख के बोलेंगे सर क्या आप फीस ले रहे हो, फ्री में सिखाना। देखो बच्चों हर चीज का अपना एक खर्चा होता है, यहाँ पे जो भी सिखा रहे टीचर्स वगैरह सबके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, समझ गए? तो आपके लिए देखो एकदम चीप अमाउंट रखे हैं, ना कि हम लोग आपसे, ना कि 1500 2000 रुपया एक साथ कोई नहीं मांग रहा है आपसे, समझ गए? आपसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक बार में कितना 5 रुपया मांग रहे हैं। आपके पास जिस दिन है उस दिन वीडियो ले लो और देखो बात खत्म। आपके पास ऐसा भी नहीं है ना, देखो कितने लोग रहते हैं ना, कितने लोग रहते हैं ऐसे, मैंने खुद देखे, वो लोग बड़ा बड़ा कोर्स बाय कर लेते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना आते आते ना उनका मोटिवेशन घट जाता है, फिर वो उसके बाद ना उसको कंटिन्यूटी रख ही नहीं पाते और उनका वो पूरा पैसा बर्बाद। इस केस में आप पे, आप एकदम सेफ हो क्या? आप एकदम सेफ हो बच्चों, सेफ हो। अगर आपको जैसे समझ लो कि आपके एग्जाम्स है, आप अगर डिग्री कॉलेज में हो, जूनियर कॉलेज में हो, आपके अगर एग्जाम है तो उतने टाइम पीरियड के लिए कोर्स मतलब वीडियोस मत लो ना, उसके बाद आप वीडियोस ले सकते हो जहां से आपने स्टॉप किया था। तो ये आपके ऊपर है, फुल्ली डिपेंडेंट आपके ऊपर है, आपको सारे वीडियोस लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, ये वीडियोस जो भी आपको मिलेंगे ना, ये आपको यूट्यूब की लिंक के, यूट्यूब का एक आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप सीधा मेरे चैनल, जिससे आप सीधा मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर, जिससे आप सीधा मेरे चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर पहुंच जाओगे। वहां पर आपको पूरे के पूरे वीडियोस प्राइवेट फॉर्म में मिलेंगे, ये भी नहीं कि आपको किसी और फॉर्म में मिल रहे, प्राइवेट फॉर्म में मिलेंगे, समझ बच्चों? अब देखो बच्चों, अब ये आपके ऊपर है कि वो वीडियो आप अपने तक ही रखते हो या फिर ये इस वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचाते हो, समझ गए? अब देखो सिस्टम दो भी है आपको, ये वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं या फिर एप्लीकेशन पे भी मिल सकती है। अब वो जब कोर्स हमारा शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि हमारा कोर्स हम लोग स्टार्ट स्टार्ट करने वाले, मोस्ट मोस्ट चांसेस है कि 1 से 2 दिन बस उसके अंदर हम लोग एक कोर्स को लॉन्च कर देंगे। बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि कोर्स आपका क्या है कैसे, और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थे कि आप लोगों को ना प्ले स्टोर से जाके ये एप्लीकेशन जो है माई बुक लो उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि कोर्स सारा आपको यहीं पे मिलने वाला है, कोर्स पीडीएफ लेक्चर सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है, सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। और हाँ मेरी पीडीएफ को आप लोग प्रिंट भी मार सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ ऐप के ऊपर ही रहेंगी, आप उनको प्रिंट मार के सॉल्व भी कर सकते हो। ओके बच्चों चलो, तो आज के लिए इतना ही। देखो यार अब प्राइसिंग के ऊपर फिर से कोई मत बोलना, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा इट इज अ वेरी चीप रेट, 5 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं। आपके दिन का खर्चा 30 से 40 रुपया होता होगा अगर एक नॉर्मल मिडिल बॉय हो तो, अगर एक एवरेज फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हो, मैं मान के चलता हूँ मेरे टाइम की बात है आज से 7-8 साल पहले, 20 रुपया एवरेज खर्चा दिन का, कितना 20 रुपया। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, वहां पे मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, समझ गए? और फटाफट माय माय बुक लो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और वहां पे जाके मुझको अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कर लो, वहां पे जाओ मेरा नाम वहां पे ढूंढो और आपको मेरा नाम मिल जाएगा, मुझको फॉलो कर लो। और जैसे मेरा कोर्स लॉन्च होगा वीडियोस वहां पे आएंगी, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ स्टार्टिंग में आपको वीडियोस अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगी, धीरे धीरे जैसे ऐप हमारा अपडेट होता है, टेक्निकल टीम और कुछ अच्छा लाती है एप्लीकेशन के अंदर, तो आपका लाइव लेक्चर्स भी होगा, सीधे 1-to-1 हम आपसे बात कर पाएंगे। ओके बच्चों तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ओके सी यू।